हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एकता रेसिपी में। बनाने जा रही हूँ डंठल की सब्जी। ये फूल गोभी के डंठल है। हमारे पड़ोस में शादी हुई थी तो उसके गोभी की सब्जी बनी थी, तो उसके ये डंठल बच गए हैं, तो वो बाहर फेंक रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझे दे दीजिए, तो वो बोले क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं सब्जी बनाऊंगी, तो बोले इनकी भी सब्जी बनती है। मैंने कहा हाँ भाभी जी, इनकी भी सब्जी बनती है। तो मैंने पत्ते सारे बड़े बड़े से हटा दिए हैं, और ये पके वाला हिस्सा होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है ना फ्रेंड, ये पका होता है, तो ये जल्दी से गलता नहीं है, तो इसलिए हम उसको हटा देंगे। और इसके छोटे छोटे ये पत्ते से ये भी हटा देंगे, और इसके हम कर लेंगे चार पीस। ऊपर से थोड़ा सा साफ कर देंगे, कहीं से गंदा हो तो भी अच्छे से साफ कर ले, हटा दे उसे। इस तरह से चार पीस कर लेंगे। आप इसके आठ पीस भी कर सकते हैं, छोटा भी इसे बना सकते हैं, पर ये इसी तरह बहुत ही टेस्टी लगते हैं बड़े बड़े से। तो मैं तो इस सब्जी को बिना रोटी के ही खाती हूँ, ऐसे ही खाती हूँ, ये ऐसे बहुत टेस्टी लगती है। मैंने ये सब्जी हमारे पड़ोस में भी दी थी, जिनके शादी थी उनको भी बहुत ही पसंद आई थी। तो इस तरह से हम सारे काट कर तैयार कर लेंगे। मैंने देखिए साफ करके सभी काट कर तैयार कर लिए, तो इस तरह से छोटे पीस भी आप कर सकते हैं। और इनको आप पानी से अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। तो मैंने पानी से धोकर साफ कर लिया है। अब मैंने एक कुकर चढ़ाया है, कुकर के अंदर डाल देंगे हम तेल। तो मैंने सरसों का तेल लिया है। तो फ्रेंड सरसों के तेल में सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप अपनी पसंद से रिफाइंड ऑयल खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तेल को मैंने गरम कर लिया है, मैंने दो बड़े चम्मच तेल लिया है। इसके अंदर डाल देंगे हम एक चम्मच जीरा। तो बहुत ही सिंपल मसालों से इसे बनाया, ऐसे नहीं है कि हमें बहुत सारे इसके अंदर मसाले चाहिए। जो हम घर में सब्जी के अंदर यूज करते हैं वही मसाले चाहिए। हींग डाल दी है, दो हरी मिर्ची डाल दी है बारीक कटी हुई, तीन प्याज लिए हैं मैंने, उनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, तो वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो कर लेंगे। तो मीडियम साइज के प्याज थे, ना तो ज्यादा बड़े थे और ना ही ज्यादा छोटे थे। और अब हम प्याज को भून लेंगे, इस तरह से चलाते हुए प्याज को भून लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। तो मैंने लहसुन को ना फ्रेंड्स कूट लिया है मामदस्ते में, उसको कूट कर हम डालेंगे। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ लहसुन ही लिया है। मैंने दो बंच लहसुन लिए थे, सब्जी हमारी ज्यादा है इसलिए मैंने दो बंच लहसुन लिए, और लहसुन जो है सब्जी में बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैंने कूट लिया है। और अच्छे से मिक्स करते हुए लहसुन को भी हम पका लेंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने से क्या होगा, हमारा प्याज भी अच्छे से भुन जाएगा, हमारा लहसुन भी अच्छे से भुन जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं। और ये सब्जी जो है ना फ्रेंड खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार बना के जरूर खाइएगा, आपको काफी पसंद आने वाली है। तो आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्का सा भुन गया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। तो आधी चम्मच हमें हल्दी पाउडर लेना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं दो चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड ये तीखी वाली मिर्च नहीं है। और दो चम्मच ही मैं इसके अंदर भर कर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए हमें इस सब्जी में, जो घर में हमारे मसाले हैं उसी से ही ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने मेरे बचपन में इस सब्जी को बहुत खाया है। और ये फ्रेंड्स मैंने दो टमाटर लिए थे, जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप टमाटर को कद्दूकस करके डालें, पर काट कर ना डालें, पर कद्दूकस करके डालें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है वो डाल देंगे। इस तरह से हम हरा धनिया डालते हैं ना, तो पूरी सब्जी में ना धनिए की खुशबू रहती है, और सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है।
तो आप देख देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन गया। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो देखिए मसाला ना बहुत अच्छे से भुन गया है। तो तेल तो मैंने ज़्यादा इसके अंदर डाला नहीं था, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे जो कटे हुए डंठल है, उनको मैंने धो लिया है पानी से। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर और डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मिक्स कर दिया है, और अब हम इसके अंदर और डाल देते हैं और फिर वापस से मिक्स करेंगे। और अब हम वापस से इसे मिक्स करेंगे। तो अगर आपने नहीं बनाई है तो आप ये सब्जी एक बार ज़रूर बनाइएगा। घर में कोई फंक्शन हो, गोभी की सब्जी बनती है तो उसके डंठल बच जाते हैं, तो बाहर नहीं फेंके। और इस तरह से इसके अंदर एक कप पानी डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे सब्जी के अंदर। तो देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, और अब हम लगाएंगे कुकर के ढक्कन। तो फ्रेंड हमें 2 सीटी लगानी है। अगर आप ज़्यादा गली हुई सब्जी खाते हैं तो 3 सीटी लगाएं, नहीं तो 2 सीटी काफ़ी है। और ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ज़्यादा गली हुई खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो 2 सीटी लगा लेनी है, और इसका प्रेशर जो है हमें इसी के अंदर रहने देना है, निकालना नहीं है। चाहे आप ज़्यादा गली सब्जी खाते हैं तो 3 सीटी लगाएं, नहीं तो 2 ही लगाएं, 2 लगाएं या 3 लगाएं, आपको प्रेशर इसी के अंदर ही रहने देना है। तो देखिए 2 सीटी लग गई है, और मैं गैस को बंद कर दूंगी, और इसका प्रेशर जो है मैं इसी के अंदर रहने दूंगी। और अब जब ये कुकर ठंडा हो जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा, तो हम कुकर को खोल कर देखेंगे। तो देखिए सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है, डंठल जो है काफ़ी गल गए हैं क्योंकि मैंने इसके 2 सीटी लगाई है और प्रेशर इसी के अंदर रहने दिया है। पर अगर हम कुकर में ही मसाले को और डंठलों को अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, गैस को ऑन कर दिया। इसका पानी जो है हमें थोड़ा सा सुखाना है, क्योंकि डंठलों ने भी पानी जो है वो छोड़ दिया है। और गैस मैंने ऑन कर दिया है। आप कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, पर कढ़ाई में क्या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। आप देख सकते हैं डंठल ने भी पानी छोड़ दिया है, मैंने जो 1 कप पानी डाला था वो भी इसी के अंदर ऐसे की ऐसे ही रखा है। बस हम थोड़ी देर पकाएंगे, थोड़ी ही देर में ये पानी जो है वो सूख जाएगा। और अब हम इसे अच्छा सा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो ना डालें, गरम मसाले की जगह आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा खट्टा खाना पसंद है तो आप यहाँ पे नींबू का रस या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आप खट्टा खाते हैं तो। बस इसे इस तरह से मिक्स करते हुए हम इसका पानी जो है वो सुखा देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट ही लगेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये इसका जो पानी है वो सारा सूख गया है, और सब्जी जो है एकदम चटपटी मसालेदार लग रही है। फ्रेंड ये सब्जी जो है खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप बिना चपाती भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, और एकदम अच्छा कलर भी आया है इस पर। अब हम गैस को बंद कर देंगे, और इस सब्जी को आप बिना चपाती के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल एकता रेसिपी को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पर फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस सब्जी की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।